अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं अभी मेडिकल पर हूँ और अचानक से बारिश शुरू हो गई। ये हमारे लच्चा भाई ये पूरे फुल बिकते हुए आ रहे हैं ना, मतलब पूरे गीले हो चुके हैं ये बारिश में। और ये दवाइयाँ लेने आए थे पूरे गीले हो चुके हैं और दवाइयाँ मिली भी नहीं। दवाइयाँ भी नहीं मिली? नहीं, वो तो मिल जाएगी यार, मैं दे दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो अभी आपको मौसम दिखाते हैं, मौसम सुताल क्या है। खैर मैं तो गीला नहीं हूँ क्योंकि मैं बाहर ही नहीं गया, मेडिकल के अंदर ही हूँ। और अभी बाहर दिखाता हूँ कि हमारे बाहर से व्यू कैसा दिखता है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो इसी तरह होते रहे और अल्लाह की रहमत इसी तरह बरसते रहे। बस नुकसान कुछ नुकसान ना हो और जो भी जानवर वगैरह मंडी में उनको नुकसान ना पहुँचे। तो अभी फटाफट अभी दिखाते हैं। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हो कितनी धुआंधार बारिश हो रही है। अब इससे ना लगा लो जो मोटी धार गिर रही है पाइप से, वहाँ से गिरी है मोटी धार ना। और ये हमारा मेडिकल है, ठीक है। ये मेडिकल के बाहर का मैं आपको हिस्सा दिखा देता हूँ। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है मेडिकल के अंदर की। हाल देखो क्या हो चुका है यार, पानी वानी जमा हो चुका है। और ये देखो ये कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और वो हमारा बेचारा चिप वाला ऐसे ही बैठा हुआ है, वो बेचारा परेशान है। उसका पूरा सारा स्टैंड गीला हो गया। और देखो लोग बीतते हुए आ रहे हैं ना, मतलब फुल बहुत तेज़ बारिश हो रही है माशाल्लाह से। इसी तरह होते रहे, बहुत तेज़ ज़्यादा हो रही है। अभी ये कैमरे में नहीं दिख रही, मैं थोड़ा सा जूम आउट करके लगाता हूँ। बाकी ये तो कराची में जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है आवाम को। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिनको ये काम सौंपा जाता है, जिनको काम सौंपा जाता है, वो लोग ठीक से कर नहीं पाते, बस अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और आवाम वैसी बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई से। तो अब रोड में पानी देखेगी तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमारी क्या कहते हैं गवर्नमेंट को हिदायत दे और वो इस तरह जो है क्या कहते हैं पानी का मसला हल करे, जो पानी पर रोड पर पानी जो रोड पर जमा हो जाता है। तो अभी फटाफट चलते हैं। तो अभी फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ। और माशाल्लाह से बहुत तेज़ बारिश होती है, इसी तरह बारिश होते रहे। तो ये हमारा मेडिकल है जो जहाँ पर मैं काम करता हूँ, जो मैंने आपको पिछली बार भी वीडियो में बताया है। तो आप चेक कर सकते हो मेरा मेडिकल। तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है माशाल्लाह से, और इसी तरह बारिश होते रहे। बस जिन जानवर वगैरह जो भी है। और मौसम तो बहुत उमदा हो रहा है दोस्तों, मौसम आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। मौसम बहुत क्लास का हो रहा है। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि जो जानवर वगैरह है अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। और जो बारिश का जितना भी पानी जमा हो रहा है तो यही है कि आप लोग भी बाहर निकल के पानी को साफ करें ताकि आवाम इस मुसीबत से बाहर निकले। तो अभी दोस्तों मैंने आधा शटर बंद कर दिया क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था। और यहाँ पर ये पैंपर वगैरह मैंने डाल दिए क्योंकि पानी इस तरफ की बारिश है तो मेडिसिन पे आता, तो इस वजह से मैंने ये क्लोज़ कर दिया। तो बारिश अभी भी हो रही है माशाल्लाह से। और अभी 4 बज रहे हैं दोस्तों। तो मैं खैर मेरी जो छुट्टी होती है 5 बजे, मैं 12 बजे आता हूँ और 5 बजे जाता हूँ। और अभी ये लाइट भी गई हुई है दोस्तों, ये तो हमने इलेक्ट्रिक बल्ब लगाए हुए जो मतलब बिजली से नहीं चलते, जो कि ऐसे चलते हैं, चार्जेबल बल्ब होते हैं ये, ठीक है। तो पंखा तो भी नहीं चल रहा और अभी लाइट गई भी है। लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है कराची के अंदर। मैं आपको एक और बात बता दूं, जब कराची में बारिश होती है तो लोड शेडिंग भी भरपूर होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी वालों ने मतलब इलेक्ट्रिसिटी वालों ने ना आवाम की सही से बजा के रखी हुई है ना, मतलब बिल्कुल भी बिजली नहीं देते। और रात में भी लाइटें जा रही हैं, मतलब दिन में भी लाइटें जा रही हैं, और अब बारिश हो रही है तो और लाइटें जा रही हैं। तो बस अल्लाह ताला हिदायत दे, जिनके काम सौंपा जाता है वो इस पर पूरे प्रॉपर काम करें इंशाल्लाह ताला। बाकी ये कि आपने मेरा मेडिकल देख लिया है, तो मुझे पहली वीडियोस में भी दिखाना था मेडिकल, बट मैं दिखाया नहीं पाया था। खैर अभी बारिश हो रही है तो मुझे अचानक से मेरा मूड बना और मैंने फिर आपको क्या कहते हैं मेडिकल दिखा दिया। तो अभी आप चेक कर सकते हो, जो पीछे होती है हमारी मेडिसन्स होती हैं वहाँ पर, जो कैल्शियम वगैरह होती है वो रखी हुई होती है, ठीक है। और यहाँ पर सारे सीरप वगैरह होता है। तो ये मेरा मेडिकल, और यहाँ पर मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ अल्लाह के फजल व करम से। तो आप ये है हमारा मेडिकल। तो दोस्तों माशाल्लाह से 20 मिनट हो चुके हैं और अभी तक मुसलसल बारिश हो ही जा रही है माशाल्लाह से। अभी तक बारिश हो रही है मुसलसल और कराची में अभी तक बारिश हो जा रही है। और अभी ये पहली बारिश है जो इतनी मतलब देर तक हो रही है, वरना कराची में ना मतलब थोड़ी बारिश हुई फिर ख़त्म हो गई, फिर थोड़ी बारिश हुई फिर ख़त्म हो गई, इस तरह चल रहा था। लेकिन अब प्रॉपर माशाल्लाह से हो रही है, तो आप चेक कर सकते हो बारिश। और मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो चुका है और अब जो हब्स का जो ज़ोर था वो टूट चुका है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और हमारे ये भैया चिप्स वाले बैठे हुए हैं तो अब ये परेशान है, मतलब परेशान क्या, ये अभी इन किलों ने अभी शॉप खोली है तो ये अभी लगाए हुए ये रेड शीट जो है ऊपर की ना, ये रेड शीट जो है कहलाती है ऊपर आई हुई ताकि पानी वानी ना आए। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक पब्लिक मैसेज देना चाहता हूँ, जितने भी जानवर वगैरह हैं आप प्लीज़ उनको जो है खम्भे के नहीं बांधें, क्योंकि खम्भे में नहीं बांधें, क्योंकि अभी जो बारिशों का सिलसिला है, क्योंकि खम्भों में जो होती है फिर वो इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से
जो है जानवर को अल्लाह ना करे नुकसान हो, तो इस वजह से मैं बस ये चाहता हूँ कि शटर जो होता है दुकान के जो शटर होता है उस पर लोग बांध देते हैं जानवर, और जो खंभा होता है उस पर बांध देते हैं। प्लीज़ इन सब चीज़ों से आप दूर रहें, ठीक है। और जहाँ पर खंभा है और वहाँ पर पानी जमा है तो आप लोग वहाँ पर नहा जाएँ, प्लीज़ वहाँ ना जाएँ आप लोग, क्योंकि वहाँ पर भी जो है क्या कहते हैं पानी में जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है, जिसकी वजह से आप लोग को नुकसान पहुँच सकता है। बस एहतियात करें और देख के जाएँ और देख के जानवरों को बांधें और जानवरों की एहतियात करें, जानवरों की एहतियात करें। चंद दिन के जानवर हैं, मेहमान रह चुके हैं और तीन दिन रह चुके हैं बकरीद के अंदर ना, और 3 दिन बाद सब लोग ज़िबा हो जाएंगे, अल्लाह की राह में। तो दोस्तों माशाल्लाह से अभी बारिश मुसलसल हो जा रही है, तो दोस्तों कराची में ये भी मसले होते हैं, वो देखें बाइकें ख़राब हो जाती हैं, और अभी पानी आप देख सकते हो, अब तो बारिश हो चुकी है हल्की, और जूम करके दिखाता हूँ कि देखें पानी तो पानी भर जाता है, तो बाइकें वगैरह भी आ रही हैं यहाँ पर, तो लोगों को मुसीबत की प्रॉब्लम, मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब बारिश होती है। तो बस अल्लाह ताला उनको हिदायत दे जो जिनके काम सौंपा जाता है, और वो आसानी के साथ ये काम करें और ये आवाम की परेशानी दूर करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये हमारा छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि यार आप अपना मेडिकल दिखा देगा, और मैंने मेडिकल भी दिखा दिया और आपको बारिश भी दिखा दी। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। और इसी तरह अपने भाई को सपोर्ट करते रहना।